गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष इंग्लिश पोएट्री से लॉर्ड अल्फ्रेड टेंशन की पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर लेकर के उपस्थित हूँ। आप लोग अपनी किताब को खोल लीजिए ताकि हम इसका अध्ययन अच्छे तरीके से कर सकें। एक छोटी सी कहानी है, ये कविता अल्फ्रेड लॉर्ड टेंशन की एक लॉन्ग पोएम है जिसका नाम है मोर्टे डी आर्थर से ली गई है। और मोर्टे डी आर्थर का अर्थ होता है द पासिंग ऑफ आर्थर। इंग्लैंड का एक राजा था जिसका नाम था राजा आर्थर। उसने एक क्या कहते हैं सभा बनाई थी। उस सभा का नाम था नाइटहुड ऑफ द राउंड टेबल। इस कमेटी के जितने भी मेंबर थे वो सब वीर योद्धा थे, क्या थे, नाइट थे। और इन योद्धाओं का काम था दीन दुखी गरीबों की सहायता करना। जो भी क्रूर लोग थे, जो निर्दयी थे, जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उनकी शक्ति का हनन करना और उनके धन को गरीबों में बांट देना, गरीबों की सहायता करना। और एक बार युद्ध छिड़ गया। उसी युद्ध में राजा आर्थर के सारे नाइट मारे गए और एक योद्धा बचा जिसका नाम था सर वेडिवर। सर वेडिवर, इसके अलावा और कोई योद्धा नहीं बचा। जब कोई योद्धा नहीं बचा और राजा आर्थर युद्ध में अधिक रूप से घायल हो जाता है, घायल होने के पश्चात एक नाव में एक नौका में राजा आर्थर सवार होकर के अवेलियन नामक द्वीप को जाता है। कहां पर जाता बेटा? अवेलियन नामक आइसलैंड को जाता है ताकि वह अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके। पहले से इस जहाज में राजा आर्थर की तीन रानियां बैठी हुई थी। विदाई के समय सर वेडिवर, जो आर्थर का एक परम सिपाही था, वह आया और रोने लगा। जब रोने लगा तब राजा आर्थर ने वेडिवर को ईश्वर की प्रार्थना का महत्व बताया। कहा कि हे वेडिवर, ये जो संसार है या गोल है, चलयमान है, परिवर्तनशील है, क्योंकि जो पुराने नियम हैं वो बदल जाते हैं और पुराने नियम के स्थान पर नए नियम आ जाते हैं। और इस कार्य को जो परम शक्ति है, जिसे हम गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वह इस कार्य को स्वयं करता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा रिवाज संसार में बुराई पैदा कर दे या संसार में बुरा हो जाए। राजा आर्थर ने वेडिवर को कहा, हे वेडिवर, अपने आप में सांत्वना रखो, अपने आप में आराम करो। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई न सुख है, न सुविधा है, न सांत्वना है। मैंने अपने जीवन को जी लिया जितना जीना था। जो मैंने किया मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरे किए हुए कार्य को वह शुद्ध बना दे। और तुम्हें मैं एक काम सौंपना चाहता हूँ कि अगर भविष्य में हमारी और तुम्हारी मुलाकात न हो, मैं संसार से हो सकता है कि चला जाऊँ, मेरी आत्मा की शांति के लिए तुम प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना का इतना महत्व है कि संसार में
स्वप्न देखने की तुलना में बहुत सारे काम प्रेयर के द्वारा हो जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज को मेरे लिए दिन रात एक फुहारे की भांति ईश्वर की प्रार्थना में उठाते रहना, क्योंकि वे लोग भेड़ और बकरियों से ज्यादा कुछ नहीं है। जिसके पास दिमाग है, मस्तिष्क है, फिर भी एक अंधकारमय जीवन जीते हैं। अगर ईश्वर को जानते हुए ईश्वर की प्रार्थना में अपने दोनों हाथों को नहीं उठाते हैं, अपनी भलाई के लिए, अपने मित्रों के लिए, भेड़ और बकरियों से ज्यादा कुछ भी नहीं होते हैं। क्योंकि ये पूरा संसार हर तरह से ईश्वर के पैरों से, एक स्वर्ण जंजीरों से बंधा हुआ है। ईश्वर को न बुलाया जा सकता है, न ईश्वर शक्ति को बुलाया जा सकता है। इतना कह करके राजा आर्थर अपने वीर सिपाही वेडिवर से अलविदा ले लेता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, कम ऑन टॉपिक। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द ब्रश, द ओल्ड ऑर्डर चेंज एल्डिंग प्लेस टू न्यू, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, लीस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। किंग आर्थर आफ्टर बीइंग वाउंडेड इन द वार, किंग आर्थर वॉज गोइंग टू द आइसलैंड ऑफ अवेलियन टू फुलफिल हिज हेल्थ। ऑलरेडी हिज थ्री क्वींस वर सिटिंग इन ए स्मॉल बोट when the king Arthur gets into the boat, his brave knight Sir Bedivere started to weep at the time of departure. At this time King Arthur give him a perfect glorious teaching to his knight Bedivere and says, और कहा, and slowly और धीरे से answered माने जवाब दिया किसने, आर्थर ने, from the ब्रिज माने नाव से, नाव में सवार होने के पश्चात Bedivere की इस दशा को देख करके राजा आर्थर ने Bedivere को सांत्वना देती हुई जवाब, किंग आर्थर हुआ सिटिंग इन द बोट ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज ब्रेव नाइट मिस्टर वेडिवर एंड डिस्क्राइब द मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन दिस वे एंड आंसर्ड स्लोली, धीरे से जवाब देता है कौन, आर्थर, फ्रॉम द ब्रिज माने नाव से, एंड सेड, और कहता है, ओल्ड ऑर्डर्ड चेंज, हे वीर सिपाही, जो पुराने नियम है वो बदल जाते हैं। It is the rule of universe, it is the rule of the world, it is the rule of the nature. Old ordered, old rules are changed, बदल जाते हैं, पुराने नियम बदल जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए कि कुछ दिन तक एक गर्मी रहती है, फिर उसके बाद ठंडी आती है, फिर बसंत आता है, फिर गर्मी आती है, ये चक्र चलता रहता है। आप देखते हैं पत्तियों से लदे हुए वृक्ष एक दिन अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और उसमें पुनः नई नई कोपली आ जाती हैं। आप देखते हैं कि एक नन्ना सा बच्चा एक दिन पिता बनकर के तैयार हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन चलते रहते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि एक ही नियम संसार में बुरा बन जाए, संसार को बुरा कर दे। इसलिए आर्थर जी कहते हैं, ओल्ड ऑर्डर चेंज, ओ माई ब्रेव नाइट, You must know the rule of the world that the old rules are changed. जो पुराने नियम है वो बदल जाते हैं, वो बदल दिए जाते हैं। एक पत्ती वाला वृक्ष किसी दिन बिना पत्ती के हो जाता है, एक ठंडी का मौसम किसी दिन गर्मी को पकड़ लेता है, इस प्रकार से एक बच्चा किसी दिन पिता बन जाता है। इट इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द रूल ऑफ द नेचर, इट इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। एल्डिंग माने देते हुए, प्लेस माने स्थान, टू न्यू माने नए।
नई नई चीजों को अपना स्थान देते हुए पुराने नियम बदल जाते हैं. अंडरस्टैंड? किंग आर्थर हुआ सिटिंग इन ए बोट विद हिज थ्री क्वींस गिव एन इंपॉर्टेंट टीचिंग टू हिज ब्रेव नाइट मिस्टर वेडिवर एंड सेस इट इज द रूल ऑफ द नेचर दैट द ओल्ड ऑर्डर्स आर चेंज टू गिव इट्स प्लेस टू द न्यू ऑर्डर. नए नियमों को नई हस्तियों को अपना स्थान देते हुए पुराने नियम बदल जाते हैं. ये प्रकृति का नियम है. गॉड एक जो शक्ति है जिसे कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई परवरदिगार कहता है, या परम शक्ति फुलफिल माने भर देती है, हिमसेल्फ माने स्वयं इन मेनी वे विभिन्न तरीके से इस कार्य को कर डालती है वह ईश्वर रूपी शक्ति. लिस्ट कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम एक अच्छा रिवाज शुड करप्ट बुरा हो जाए, बुराई पैदा कर दे द वर्ल्ड माने संसार को, कहीं संसार को बुरा ना कर दे, कहीं संसार में बुराई ना पैदा कर दे, कहीं संसार को गंदा ना कर दे. इसलिए ईश्वर पुराने नियम को बदल देता है और उसके स्थान पर नए नियम को दे देता है. इट इज द रूल ऑफ द नेचर. क्लियर? फिर से देखिए चार लाइन. Slowly answered Arthur from the bridge. एक छोटी नाव में सवार होकर के धीरे से जवाब देता है कौन, राजा आर्थर, किसको, वेडिवर को, और कहता है ओल्ड ऑर्डर चेंज हे इस वीर सिपाही, पुराने नियम बदल जाते हैं. एल्डिंग प्लेस टू न्यू, नए नियमों को अपना स्थान देते हुए. एंड गॉड और ईश्वर फुलफिल्स पूरा कर देता है हिमसेल्फ स्वयं इन मेनी वे, विभिन्न तरीके से इस कार्य को ईश्वर पूरा कर देता है. लिस्ट कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम एक अच्छा रिवाज शुड करप्ट माने बुरा बन जाए, द वर्ल्ड माने संसार को बुरा कर दे, संसार में बुराई पैदा कर दे. इसलिए ईश्वर एक अच्छे नियम को बदल देता है. क्लियर? आइए आगे देखें. कंफर्ट दाई सेल्फ, व्हाट कंफर्ट इज इन मी, आई हैव लिव्ड माई लाइफ and that which I have done, may he within himself make pure. But thou, if thou shouldest never see my face, prayer for my soul. इस पैराग्राफ में राजा आर्थर कहते हैं कि हे वीर सिपाही, तुम अपना जीवन अपने आप जियो और मेरे न रहने पर ईश्वर से प्रार्थना कर लेना. कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट माने सुविधा, कंफर्ट माने आराम, कंफर्ट माने सांत्वना है. हे वीर सिपाही, तुम स्वयं अपने आप को सांत्वना दो, स्वयं अपने आप को समझाओ, स्वयं अपने आप को संभालो, स्वयं अपने आप में सुविधाओं को ढूंढो, स्वयं अपने जीवन को जीना सीख लो. यू मस्ट लर्न टू लिव योर लाइफ योर सेल्फ. You must search comfort yourself. हे वीर सिपाही, अपने आप को संभालो, अपने आप को सांत्वना दो, अपने आप को सुविधाओं दो, अपने आप जीना सीख लो. What comfort? क्या सांत्वना इज है इन मी, मेरे पास. अब मेरे पास क्या है जो मैं तुम्हें दे सकूं? मेरे पास न सुख है, न सुविधा है, न दौलत है, न यश है, सब कुछ मैंने समाप्त कर दिया. अब मैं आपको कुछ नहीं दे सकता. आपको देने के लिए मेरे पास क्या है? आपको देने के लिए मेरे पास क्या सांत्वना है? आपको देने के लिए मेरे पास क्या सुख है? मैं आपको देने के लिए मेरे पास क्या सुविधा है? आई हैव नथिंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ कंफर्ट. इसलिए यू मस्ट कंफर्ट थाइसेल्फ. आपको स्वयं अपनी आप सुविधा ढूंढनी चाहिए. आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है. आई हैव लिव्ड माई लाइफ. माई ब्रेव सोल्जर्स, आई हैव कंप्लीटेड द टाइम ऑफ माई लाइफ. आई मिस मैंने हैव लिव्ड माने जी लिया माई लाइफ, अपने जीवन को. वीर सिपाही, मैंने अपने जीवन को जी लिया, मैंने अपने जीवन की दौड़ को पूरा कर लिया. अब मेरे जीवन में दौड़ने का एक भी अंश बाकी नहीं है. क्लियर? दैट विच जो कुछ आई हैव डन, मैंने किया,
मैं ही माने वा अर्थात ईश्वर विदिन स्वयं हिमसेल्फ, मेक माने बना दे, प्योर माने शुद्ध, जो कुछ मैंने किया ईश्वर उसे शुद्ध कर दे, उसे सार्थक बना दे, उसे इस संसार की योग्य बना दे, यही मेरी उसके चरण में प्रार्थना है। इट इज माई प्रेयर टू गॉड दैट आई हैव डन। मे गॉड विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, शुद्ध बना दे, सही बना दे, यही मेरी उस परम शक्ति से प्रार्थना है। क्लियर हुआ बट दाओ? लेकिन तुम्हारे लिए एक काम है, बट लेकिन दाओ माने तुम्हारे लिए, हे वीर सिपाही, इट इज माई ऑर्डर एंड ऑल्सो माई सजेशन दैट यू मस्ट डन दिस वर्क। इफ यदि दाओ तुम सुडेस्ट नेबर सी ना देख सको माई फेस, मेरा चेहरा अगेन माने पुनः, अगर आपको मेरा चेहरा पुनः ना दिखाई पड़े, आपकी और मेरी मुलाकात पुनः ना हो, अर्थात मैं मर जाऊं, तो प्रेमा ने प्रार्थना कर लेना फॉर माई सोल, मेरी अंतरात्मा की शांति के लिए उस परम शक्ति से एक प्रार्थना कर लेना, एक दुआ कर लेना कि मेरी अंतरात्मा को शांति प्राप्त। It is your duty, my brave knight. By chance, if you and I are unable to meet again in this world, you must know that I have completed my journey. You must pray God for the माई सोल, मेरी अंतरात्मा के लिए तुम प्रार्थना कर लेना, मेरी अंतरात्मा की शांति के लिए ईश्वर से पूजा कर लेना, प्रार्थना कर लेना। क्लियर? मोर थिंग्स आर रॉन्ग, मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम। इस संसार में बहुत सारे चीजें, बहुत सारे कार्य पूरे हो जाते हैं, क्या होते बेटा, पूरे हो जाते हैं बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। अगर हम ईश्वर से आराधना करते हैं तो ईश्वर की आराधना में बहुत सारे काम क्या होते हैं, पूरे हो जाते हैं। हे परम शक्ति, तुम परम हो और विश्वास है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य शुद्ध होगा, पूर्ण होगा और योग्यताओं से परिपूर्ण होगा। इसलिए मोर थिंग्स, बहुत सारे कार्य आर ब्राट माने पूरे हो जाते हैं बाय प्रेयर, ईश्वर की प्रार्थना के द्वारा, ईश्वर की आराधना के द्वारा। देन दिस वर्ल्ड, इस संसार में ड्रीम आप माने कल्पना करना, स्वप्न देखना, इस संसार में स्वप्न देखना कल्पना करने की तुलना में ईश्वर की प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? व्हेयरफॉर, इसीलिए लेट दाई वॉइस, लेट माने दो, दाई माने अपनी वॉइस माने आवाज को राइज माने उठना, लाइक ए फाउंटेन, एक फुहारे के समान फॉर मी, मेरे लिए नाइट एंड डे। इसीलिए हे वीर सिपाही, जब ईश्वर की प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कार्य पूरे हो जाते हैं तो मेरी अंतरात्मा की शांति के लिए अपनी आवाज को फुहारे की भांत दिन रात लगातार उठने देना। लेट योर वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी डे एंड नाइट, दिन और रात अपनी आवाज को फुहारे के समान उठने देना, चलने देना अपने इस सम्राट की आत्मा की शांति के लिए। क्लियर हुआ भाई? चलिए आगे चलते हैं। फार क्योंकि वाट आर मैन, वाट माने क्या है, आर
मैन माने लोग, वे लोग क्या हैं? बेटर देन शिप्स आर गुड, वे लोग भेड़ और बकरियों से ज्यादा क्या हैं? दैट जो नरिश माने व्यतीत करते हैं, ए ब्लाइंड लाइफ, एक अंधकारपूर्ण जीवन विद इन द ब्रेन, अपने मस्तिष्क में। प्यारे बच्चों, संसार के इन सभी प्राणियों में हम श्रेष्ठ हैं। हमारे पार मस्तिष्क से जानने के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो यदि हम ईश्वर रूपी शक्ति को जानते हुए भी अपनी भलाई के लिए, अपने मित्रों की भलाई के लिए अपने इन दोनों करों को उसकी प्रार्थना में नहीं उठाते हैं, तो भेड़ और बकरियों से ज्यादा हम कुछ नहीं हैं। देखिएगा बेटा, इफ यदि Knowing God, ईश्वर को जानते हुए, दे माने वे, लेफ्ट माने उठाते, नॉट माने नहीं, हैंड्स माने हाथों को, फॉर प्रेयर माने प्रार्थना में, फॉर बोथ, फॉर themselves स्वयं के लिए, एंड दोज और उन लोगों के लिए, हु कॉल देम फ्रेंड, जिन्हें वो मित्र कहते हैं, वे लोग जो ईश्वर रूपी शक्ति को जानते हैं, ईश्वर रूपी शक्ति को जानते हुए अपने स्वयं के लिए, अपने मित्रों की भलाई के लिए अपने दोनों हाथों को उसकी प्रार्थना में नहीं उठाते हैं और अपने जीवन में एक अंधकारमय जीवन जीते हैं, ऐसे लोग भेड़ और बकरियों से ज्यादा कुछ नहीं है। केवल हैं तो हैं, भेड़ और बकरियां हैं। जरा देखिए चार लाइन, फॉर वॉट आर मैन, वे लोग क्या हैं? बेटर देन शिप आर गुड, भेड़ और बकरियों से ज्यादा, दैट नरिश जो व्यतीत करते हैं, ए ब्लाइंड लाइफ, एक अंधकारपूर्ण जीवन, विद इन द ब्रेन, अपने मस्तिष्क के अंदर, इफ नोइंग गॉड, अगर ईश्वर को जानते हैं, दे लिफ्ट नॉट हैंड, वे हाथों को नहीं उठाते हैं, फॉर प्रेयर, प्रार्थना में, प्रार्थना के लिए, बोथ फॉर देमसेल्फ, अपने स्वयं के लिए, एंड दोज और उनके लिए, हु कॉल देम फ्रेंड, जो उन्हें मित्र कहते हैं। ईश्वर रूपी शक्ति को जानते हुए भी अगर अपने स्वयं के लिए और अपने मित्रों की भलाई के लिए अगर अपने दोनों हाथों को ईश्वर की प्रार्थना में नहीं उठाते हैं, तो ऐसे लोग भेड़ बकरियों से ज्यादा कुछ नहीं है, जो ज्ञान प्राप्त करते हुए भी एक अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। अंडरस्टैंड फार, क्योंकि सो इसलिए द होल राउंड वर्ल्ड, ए संपूर्ण गोल पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, जो राउंड है, जो क्या कहते हैं, राउंड पृथ्वी है, ये संपूर्ण गोल राउंड पृथ्वी जो है, इज एवरी वे, हर प्रकार से बाउंड माने बंधी हुई है। क्या है बेटा? बंधी विद गोल्ड चेन, किससे? सोनों की जंजीरों के द्वारा, टू द फिट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों से। फार शो, क्योंकि द होल राउंडेड, पूरा गोल पृथ्वी, इज एवरी वे, हर प्रकार से बाउंड, बंधी हुई है, विद गोल्ड चेन, सोने की जंजीर से, अबाउट द फिट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैर से। ये संपूर्ण पृथ्वी का जो संबंध है वो ईश्वर के चरणों से है, जो कि पूरा संसार ईश्वर के चरणों से बंधा हुआ है, एक स्वर्ण जंजीर से। क्लियर हुआ? फार, क्योंकि सो द होल राउंड वर्ल्ड, पूरा गोल संसार, इज एवरी वे, हर प्रकार से बाउंड माने बंधा हुआ है, बाय गोल्ड चेन, सोने की जंजीर के द्वारा, अबाउट द फिट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों से। इसलिए जो अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, मित्रों की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए अपने कर को नहीं उठाते हैं, ऐसे लोग भेड़ और बकरियों से ज्यादा कुछ नहीं है। बट नाउ फेयरवेल, ए मेरे वीर सिपाही, अब फेयरवेल, अलविदा, मैं जाता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना, अपने जीवन को स्वयं जीना, परिवर्तन प्राकृति का नियम है। थैंक यू, द पोएम ओवर। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको समस्या होगी, मैं पुनः पढ़ाऊँगा, मैं पुनः आपके लिए उपस्थित होऊँगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप अपने लिए मेहनत करिए, ताकि आप संसार के एक अमूल्य रत्न के रूप में उभर जाइए। बड़ी खुशी प्रदान होगी, हृदय आह्लादित हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।